हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए देखिए इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बेबी स्वेटर, बेबी कारीगन, बेबी फ्रॉक, बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट, मफलर, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए देखिए डिजाइन सिर्फ 8 रोज का डिजाइन है। आपको 8 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 8 रो तक ही। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4+1 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 4+1। देखिए रॉन्ग साइड पे से दिखता है ये डिजाइन, आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 4 3 × 4 12+1 एज स्टिच करके टोटल 14 फंदा डाला है। देखिए रो 1 स्टार्ट करते हैं रॉन्ग साइड से, रो 1 रॉन्ग साइड। देखिए फर्स्ट में एज स्टिच आपको स्लिप करना है, फिर देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है धागा पीछे। देखिए फर्स्ट में एक फंदा सीधा, अब धागा आगे करके आपको इस एक फंदा में आपको 3 बार धागा घुमाना है, मतलब आपको 3 बार एंड ओवर करते हुए उल्टा बुनना है, 1 2 3। फिर इसको देखिए इसे उल्टा बुनना है। अब धागा पीछे, 2 फंदा आप सीधा, 1 2। अब आपको ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा में आपको 3 बार धागा घुमा के आपको उल्टा बुनना है, फिर 2 फंदा सीधा, फिर से यही करना है। देखिए 1 फंदा सीधा फर्स्ट में, फिर धागा आगे करके इस 1 फंदा में आपको 3 बार घुमाना है ये धागा, 1 2 3। फिर इसको उल्टा बुनना है। अब देखिए 2 बार सीधा, 1 2। अब फिर से 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर से रिपीट। फर्स्ट में 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 1 फंदा इससे उल्टा बुनना है, 1 2 3। इसे 3 बार एंड ओवर करके अब देखिए धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। देखिए यहाँ पर आपको स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 3 डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर देखिए अब यहाँ से रो 2 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न, 1 फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, देखिए 3 बार एंड ओवर किया फंदा का, आपको इसे अनरैप करना है, इसे स्लिप करके राइट नीडल पे लेना है। अब धागे को आगे करते हुए 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा स्लिप, 2 फंदा उल्टा, फिर से एक बार 1 फंदा उल्टा, अब धागे को पीछे करना है, फिर इसको स्लिप करना है राइट नीडल पे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2। देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर से एक बार लास्ट रिपीट, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके इसको स्लिप करना है राइट नीडल पे, अब 2 फंदा लास्ट में उल्टा, 1 2। अब देखिए रो 3 राइट, सॉरी रॉन्ग साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न, 1 फंदा सीधा, अब धागा आगे करना है, स्लिप किया फंदा, फिर से राइट नीडल पे स्लिप करना है, अब 2 फंदा सीधा, 1 2। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप, 2 फंदा सीधा, फिर से देखिए 1 फंदा सीधा, धागा आगे करना है, 1 फंदा स्लिप, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। फिर से एक बार रिपीट, 1 फंदा सीधा, धागा आगे राइट नीडल पे स्लिप करना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। देखिए यहाँ तक 3 डिजाइन हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। अब देखिए रो 4 राइट साइड, रो 4 राइट साइड एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न, फर्स्ट में 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए स्लिप किया फंदा आपको सीधा बुनना है, इसको आपको देखिए सीधा बुनना है,
एक फंदा इसे सीधा बुनना है, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको यही रिपीट करते जाना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। फिर से एक बार रिपीट, सॉरी, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, अब देखिए दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर से एक बार एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप किया फंदा आपको सीधा बुनना है, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपके ये रिपीट करते जाना है। देखिए अब देखिए रो फाइव रॉन्ग साइड एज इट इज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, तीन फंदा सीधा, एक, देखिए इस उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, दो, तीन। अब तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा आगे, अब इस एक फंदा इस सीधा फंदा में आपको दो बार इसे एन ओवर करना है, एक दो, सॉरी तीन बार करना है आपको, फिर उल्टा बुनना है इसको। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा सीधा, फिर तीन बार आपको एन ओवर करके इस फंदा को उल्टा बुनना है। फिर से एक बार रिपीट, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे करके इस फंदा में आपको तीन बार एन ओवर करना है, एक दो तीन, फिर इसको उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर, एक दो, सॉरी दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, एक ये दो। अब ये देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में चार फंदा बचेगा, इसको क्या करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एज इट इज लास्ट के फंदे भी आपको सीधा ही बुनना है, ये चार। अब देखिए रो सिक्स राइट साइड एज इट इज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, इस देखिए इसको राइट नीडल पे स्लिप करना है। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप। फिर से एक बार तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, एक फंदा स्लिप। अब देखिए ये रिपीट करते जाना है, सॉरी दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, इसको उल्टा बुनना है, एक दो तीन, लास्ट के फंदे भी आपको उल्टा बुनना है, चार। अब रो सेवन रॉन्ग साइड एज इट इज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर धागा आगे करके इसको स्लिप करना है राइट नीडल पे। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। फिर से एक बार तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में चार फंदा बचेगा, इसको सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब देखिए रो एट राइट साइड एंड लास्ट रो एज इट इज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, इस एक फंदा आप सीधा। अब ये रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से एक बार रिपीट, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। अब आपके रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा, इसको देखिए उल्टा बुनना है, एक दो तीन चार। देखिए एट रो में आपको इस डिजाइन आएगा। अब यहाँ से आपको रो वन रॉन्ग साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए अब यही रिपीट करना है आपको वन से एट रो तक ही। देखिए
कि फिर आपको लास्ट में इसका फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।